दोस्तों तो ये देखिए पूरी तरह पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ है, इसमें सीमेंट का एकदम यूज नहीं किया गया, टोटली लकड़ी का है पूरी बिल्डिंग हमारा। और ये अभी इसको रंगाई का काम चल रहा है, और वो देखिए आप ये अभी का अपने हाथों से ही इसको कलर कर रही हैं। और यहाँ पे जो है कुछ गाय रखे हैं पशु का, और यहाँ पर चारा सरसों, ये सरसों है मस्टर्ड वो रख रही है। और ये पुराना घर लकड़ी के पूरे, और जो ऊपर सीढ़ियाँ देखिए सीढ़ियाँ कितनी पतली हैं ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ी है ना, ये हाँ वही है सीढ़ी। ये जो मनु टेम्पल जाते समय रास्ते में एक और पुराना जो ये घर आप देख सकते हैं, टोटली ये जो घर बने हुए हैं लकड़ी के, और ऊपर से जो ये देख रहे हैं ऊपर आप इसके रूफ या छत देख रहे हैं वो सब इन पत्थरों के, पत्थर काफ़ी भारे पत्थर है, ये सारे पत्थर जो है उसी के पत्थर रखे हुए ऊपर, और वही पत्थर देखिए आप वहाँ पे भी रखा हुआ है। ऐसा एक घर बना हुआ है यहाँ पे पुराने ज़माने का, काफ़ी पुराना। चलिए फिलहाल प्राचीन मणि मंदिर पहुंच गया मैं, और ये आप देख सकते हैं ये मणि टेम्पल है, और ये इसका गेट। चलिए फिलहाल चला जाए। दोस्तों तो ये जो है मनु टेम्पल के आसपास जो ये पत्थरों के कुछ शिला पे शायद ये तो हाथी है, ये तो हाथी है, और ये शायद कुछ अन्य जानवर के फिर शेर या फिर कुछ हो या फिर हाथी के ही सिर हो, और वहाँ पे भी जो है हाथी का ही एक मुड़ा हुआ ये लग रहा है। और जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये मनु टेम्पल का, और वहाँ पे जो एक दो पिलर लगे हुए हैं वो दोनों पिलर ही लकड़ी के ही हैं, और ये भी मंदिर के ही परिसर के ही हिस्से हैं। दोस्तों ये तो मनु के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, मनु स्मृति भी नहीं है अवेलेबल, अगर होगा तो उसको पढ़ के आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी स्मृतियाँ और कहानियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर मंदिर में। कुछ हल्की फुल्की जानकारी है जिसका मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, अगर पूरा आपको जानकारी पढ़ना है तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों तो ये तो मनु ऋषि के मंदिर है, ये मनाली इन्हीं के नाम पर, मनाली का नाम मनाली पड़ा है, और मनु टेम्पल के बारे में जो जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं, और जो मनु स्मृति है उसमें से काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, फिर मनु स्मृति पढ़ने के बाद ही आपको सारी जानकारियाँ आगे की जो है वो मिलेंगी, और अनेक सारी भ्रमितियाँ फैलाई गई हैं वामपंथियों के द्वारा। तो फिलहाल उन सब अफवाहों पर ध्यान ना देकर आप खुद ही पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद किसी भी निर्णय पर पहुँचिएगा। फिलहाल मैं ये आपको दिखा दूँ मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से मनाली के कुछ मनोरम दृश्य, ऊंचाई पर हूँ मैं अभी फिलहाल, ये ऊंचाई मैंने पैदल ही तय की, और ये जो है मनाली के सब गाँव और तीनों ओर से घेरा हुआ, और ये सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा हल्का सा वहाँ पे बर्फ जमी हुई है पूरा।
काफ़ी बर्फ़ है वहाँ पे। और इधर भी इन पहाड़ियों पे भी इस साइड में भी पीछे वाली जो है पहाड़ी उस पर बर्फ़ जमी हुई है। अगल बगल में जो मकान है और ये सबसे पुरानी यहाँ पे हम घूम लग रही है फिलहाल। इसके पत्थरों के जो है मैंने लिखा है ये सब पत्थरों के छत जो है और बाकी चीज़ें जो है वो लकड़ियाँ हैं। और फिलहाल ये मैं मंदिर से अब बाहर निकलने के लिए जा रहा हूँ ले, और मंदिर के बाहर के द्वार पे ही सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिलहाल चलिए चलते हैं। ये महर्षि मनु मंदिर का जीर्णोद्धार का शिलान्यास शांता कुमार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश 13 अप्रैल 1991 में उनके द्वारा किया गया था। फिलहाल ये बाहर से और ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं।